मुलायम संदेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो रथ बनाई गई है खास तौर पर, इस रथ में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी सवार हैं, साथ ही में योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव हैं और तमाम जो संगठन के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं योजन सभा के, वो इस यात्रा में मौजूद हैं। सर, एजेंडे की बात हमने कर ली थी, जो पहले चरण का रिस्पॉन्स था कैसा आपको लगा और इससे कितनी उम्मीद है? देखिए, पहला चरण रथ यात्रा में जो रिस्पॉन्स था, मेरा इतनी लंबा राजनीतिक जीवन में, लंबे राजनीतिक जीवन में 30 साल में कैबिनेट मिनिस्टर थे बंगाल में, बहुत सारी चुनावों में प्रचार किया, बहुत सारे स्टेट पे गया, इतनी नौजवान का जोश, इतनी जनता का जोश मैं कभी नहीं देखा जो 2017 साल चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रति, अखिलेश यादव का प्रति, नेताजी का प्रति, उत्तर प्रदेश का जनता का जोश देखा मैं पहला चरण जो रथ यात्रा में। मैं कभी, मेरा विश्वास नहीं होता मैं जोश उपस्थित नहीं रहते तो। सर, अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से एक यूथ का विशेष जोश देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि पार्टी में इससे एक नई जान आएगी और चुनाव में उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है पार्टी? देखिए, संगठन में यूथ का भूमिका सबसे ज्यादा है, तो यूथ तो है हम लोग का साथ, केवल यूथ नहीं, जब यूथ जुटेंगे उनका पिता माता भी पार्टी का साथ जुट जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश का जनता का मन में केवल समाजवादी, केवल नेताजी, केवल अखिलेश, केवल शिवपाल। सर, अगर यात्रा की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर ये संदेश यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या माना जाए कि जो प्रमुख चेहरा होंगे पार्टी के चुनाव में वो मुलायम सिंह यादव ही होंगे? देखिए, नेताजी केवल उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं है, राष्ट्रीय नेताजी सारा हिंदुस्तान में, केवल समाजवादी का नेताजी नहीं है, हर जनता का नेताजी है। नेताजी का तो चेहरा रहेगा ही, बिना नेताजी का चेहरा, बिना नेताजी का नाम कोई चुनाव प्रचार हम लोग नहीं करेंगे, नहीं प्रचार होगा। और अखिलेश जी मुख्यमंत्री है, जो विकास का काम अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में किया, एक एक इंस्टेंस, एक दृष्टांत तैयार किया सारा हिंदुस्तान में, जो एक नौजवान मुख्यमंत्री एक राज्य का विकास के लिए कितनी काम कर सकता है। सर, माना जाए कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा मतभेद की बात कही जा रही है, वो सब कोई मतभेद नहीं है, समाजवादी पार्टी अटूट है, समाजवादी पार्टी का नेता सब अटूट है, कोई मतभेद नहीं है, जो मतभेद बाहर से चर्चा चल रहा है, अंदर से कोई मतभेद नहीं है। विकास जी, यात्रा के नायक आप हैं, क्या कहेंगे आप? बस विकास, आप देख रहे हैं इस जनसमूह, ये जो युवाओं का जोश है कितना, आप खुद को आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब कहीं जगह नहीं है, कम से कम इस समय 1500 गाड़ियां हमारे साथ, तो ये अखिलेश यादव जी ने इतना काम कर दिया 4.5 साल में कि कोई विकल्प है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर हम 2017 में पुनः सरकार बनाएंगे 250 सीटों के साथ। तो दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस खास रथ में सवार होकर जो तमाम नेता हैं वो प्रस्थान कर चुके हैं। 9 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी जिसमें कि 29 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, दिल्ली। जय हिंद।